एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बो दी। किसान की फसल में छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बना के रहने लगी। समय बीता और चिड़िया ने उसमें दो सुंदर से अंडे दिए। थोड़े समय बाद उस अंडों में से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकले। चिड़िया बहुत खुश थी। वो और उसके बच्चे आराम से खेत में घूमते फिरते और जब भूख लगती दाना खा लेते। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे पूरे खेत में फुदकते खेलते चहचहाते। उस समय बाद फसल पक गई, उसे काटने का समय आ गया। गांव के सारे दूसरे किसान अपने खेतों में फसल की कटाई कर रहे थे। चिड़िया समझ गई थी अब उसका और उसके बच्चों का खेत को छोड़कर कहीं दूर जाने का समय आ गया है। एक दिन चिड़िया बाजार गई थी और दोनों बच्चे खेत में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर किसान आया और अपनी फसल को देखकर कहने लगा, मेरी फसल तैयार हो गई, कल अपने पड़ोसी को भेजूंगा, वो इस फसल को काट देगा। किसान की बात सुनकर दोनों बच्चे सहम गए और शाम को जब उसकी माँ आई तो उनसे बोले, माँ यहाँ से चलो कहीं दूर चलते हैं, आज किसान कह रहा था कि कल किसी पड़ोसी को भेजेगा। दोनों बच्चों की बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, बच्चों अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दिन और यहाँ रह सकते हैं। चिड़िया की बात सही साबित हुई, कोई पड़ोसी नहीं आया और कोई फसल की कटाई नहीं हुई। अगले दिन जब किसान खेत में आया और खेत को ऐसे ही देखा तो कहने लगा, तो ये पड़ोसी नहीं आया, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। किसान की बात सुनकर बच्चे फिर परेशान हो गए और वो अपनी माँ से बोले, माँ आज हमारा इस खेत में अंतिम दिन है, रात को ही हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। चिड़िया ने भी किसान की बात सुन ली थी। उसने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, अभी हमें यहाँ से कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल कोई रिश्तेदार आएगा। और चिड़िया की बात इस बार भी सच हुई। अगले दिन जब किसान खेत में आया और खेत को ऐसे ही देखा तो कहने लगा, लगता है मेरी मदद के लिए इस बार कोई नहीं आएगा, कल मैं खुद आऊंगा और अपनी फसल की कटाई करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी तो उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया बोली, बच्चों तैयारी कर लो, अब खेत छोड़ने का समय आ गया है, आज ही रात हम ये खेत छोड़ के दूसरी जगह चलेंगे। दोनों बच्चे बहुत हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि वह तुरंत खेत छोड़ने को तैयार हो गई। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया मुस्कुराई और बोली, बच्चों पिछले दोनों बार किसान कटाई के लिए किसी और पर निर्भर था, लेकिन इस बार वो खुद काम करना चाहता है, और जब हम किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आएगा, लेकिन अगर हम अपना काम खुद करें तो काम के पूरे होने की गारंटी जरूर होती है। चिड़िया की बात बच्चों को भी समझ आ गई थी और अब चिड़िया के बच्चे इतने बड़े भी हो गए थे, उन्होंने उड़ना सीख लिया था। उसी रात चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ी और कहीं दूर चली गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक किसान दूसरों के भरोसे रहा, उसका खेत का काम रुका रहा, और इस बात को छोटी सी चिड़िया भी जानती थी। लेकिन जैसे ही किसान ने सोचा कि अपना काम वो खुद करेगा, चिड़िया ने खेत को छोड़ दिया। इसलिए हमें भी दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपना काम खुद ही करना चाहिए।